हाँ, कौन सा नंबर चाहिए भैया? अरे ये पुलिस चौकी ही है। कौन सी पुलिस चौकी है, हमसे पूछ रहे हैं? कौन सी पुलिस चौकी? होल्ड रखिए जरा, ये कौन सी पुलिस चौकी है भाई? अबे पांडे, कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? अरे बोलता का नहीं, कौन सा पुलिस स्टेशन है? देखिए शुक्ला जी, आपका प्रमोशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे ए बे ते करके बुलाएंगे। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ डिमोशन होते हुए देर नहीं लगती। मिस फिना को देख लीजिए। चुप चुप, वरना लाइन हाजिर करवा दूंगा, समझे कि नहीं? पड़े रहना पुलिस लाइन में, वहां सब जुगाड़ पानी बंद। नहीं, सॉरी सर, सॉरी। क्या सॉरी वरी, कौन सा पुलिस स्टेशन है ये? जी ये भाटे जी है? मैं मुझे क्या तुमसे पूछा है? वो सर, ये तो वो भाट चाय वाला ही बता सकता है सर। भाई साहब, मुझे FIR लिखवानी है। भाई साहब, वारदात कौन से एरिया में हुई? जी काल्पनिक नगर में। तो वहाँ के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ ना। जी वही तो आया हूँ। मतलब ये काल्पनिक चौकी पुलिस नगरी है? जी नहीं, ये काल्पनिक नगर पुलिस चौकी है। गुड, वेरी गुड। इसका रिपोर्ट लिखिए, टोटल रिपोर्ट लिखिए इसका, मैं बता रहा हूँ। अच्छा सुनो, बड़े साहब कह रहे थे कि इलाके में वारदातें ज्यादा हो रही हैं। सर क्या करें सर, वही प्रॉब्लम है सर, आजकल ये साले चोर बताते भी नहीं है कि चोरी कहाँ करने जा रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन। सर कोई इंग्लिश पिक्चर देखी आपने? नहीं, तालमेल। चोर और पुलिस के बीच में तालमेल। ऐसा कीजिए भाटिया साहब, आप फोन लगा के जितने शहर के चोर उचक्के हैं ना, सबको बुलवा लीजिए, मीटिंग करते हैं। और भाइयों, चोरनी बहन, देखिए आप लोग को यहाँ बुलाने का एक ही मकसद है, सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल, आपस में तालमेल बढ़ाना। एसपी साहब बता रहे थे बहुत फुल फॉर्म में चल रहे हैं आप लोग। क्या साहब, 1.5 घंटे से तो इस इलाके में कोई चोरी ही नहीं हुई। हाँ, मगर 1.25 घंटे पहले जो चोरी की थी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी साहब, 1.5 घंटे पहले आके अपन उषा जी के पास रिपोर्ट दर्ज करा गया था कि कहाँ चोरी करने वाला हूँ। हाँ जी, ये ललन भाई आके रिपोर्ट लिखवा के गया था। पंजे पांडे वहीं घूम रहे थे। अरे मिस चीना, आपने बताया नहीं पांडे जी को कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ ललन भैया आने वाले। सॉरी सर। सिंक्रोनाइजेशन, तालमेल, आगे से इस बात पर जरा सावधानी रखिएगा आप लोग। और एक और रिक्वेस्ट है, चोरी में थोड़ा सा गैप डालिए। पन साहब। अरे क्या अनपन नहीं माई बाप, ऊपर से ऑर्डर आया है। वैसे लास्ट चोरी कब किए थे आप? चोरी करता है? नहीं सर, मैं तो चोरी का FIR लिखवाने आया था सर। चोरी करने के बाद FIR लिखवाना आया? पहले नहीं आ सकता था? क्या है? जी कुछ नहीं, मैं देख रहा था। क्या देख रहा था, काम क्या है बोल। जी मैं FIR दर्ज कराने आया था। FIR पहली या दूसरी? जी पहली। पहली ललन ग्रुप? ललन ग्रुप। ललन को जानता है कि नहीं जानता? जा, ललन मेरा पड़ोसी है। अच्छा, पहली FIR उषा जी लगती है, जा गुड लक। क्या बोलूं टीना, ये पुलिस की नौकरी भी ना, यहाँ सब्जी काटो घर पे जाके बनाओ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। मैं भी मैडम। एक्सक्यूज मी बहन जी। जी मुझे FIR दर्ज करानी है। जी बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। जी मैं भी जरा जल्दी में हूँ, थोड़ा जल्दी से लिख दीजिए। हाँ तो आप पांडे जी के पास जाइए, वो भी FIR ही लिखते हैं। वो जो इंस्पेक्टर साहब किसी को मार रहे थे ना, उन्होंने कहा है कि आपके पास आऊँ लिखवाने के लिए। पहली वाली है? जी हाँ पहली वाली है। तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। पहली बार आए हो? पहले आ चुका हूँ। पहले आ चुके थे तो पहले पता नहीं था कि पहली वाली मैं लिखती हूँ? नहीं नहीं, पहली बार है ना। तो पता है पहली बार क्या करना है? जी नहीं, पहली बार है ना। पहले वो FIR का रजिस्टर ढूंढो। वो कहाँ है? वो वहीं कहीं होगा, ढूंढो। आप ही ढूंढ लीजिए। अरे वो देखो, वो नीचे से पहला वाला है ना, वो है। ये मोटा वाला? हाँ। जी लीजिए। FIR तो लिखनी आती है ना? जी नहीं, मैंने बताया ना पहली बार है। ओहो, ये नए लोग आते हैं ना, बहुत तंग करते। अच्छा ठीक है, तब तक सब्जी काटो। जी लाइए, चाकू ले लो। हाँ। बोलो नाम क्या है? मुसद्दी लाल। यही तो लिखा ना, मुसद्दी लाल। नहीं मैडम, मुसद्दी लाल लाल। इतना क्या करना है लाल? लाल हूँ ना। लाल है ना? ये लाल है। नहीं मैडम, ये तो काला है। नहीं नहीं, काला तो मेरे इन-लॉज हैं, मैं तो लाल हूँ, मुसद्दी लाल लाल। देखो ज्यादा लाल लाल मत करो, मैं जो कहती हूँ वो मान लो, तुम काले हो। अरे ऐसे कैसे मान लूं, बचपन से मेरे पिताजी ने बताया है मुझे कि मैं लाल हूँ, अब बड़ा होकर मैं अपना सरनेम कैसे चेंज कर लूं? अरे तो पहले बताना चाहिए था ना नेम के तुम्हारा सर लाल है। नेम के मेरा सर लाल नहीं है, मेरा सरनेम लाल। तो पहले बताना चाहिए था ना। बताया तो था ना। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो वारदात की जगह समय वगैरह जरा बोल दो। 55 पटाखपुर, हनुमान के मंदिर के सामने और देसी दारू के ठेके के बगल में। अंदाजा है क्या टोटल वगैरह कुछ? अंदाजा क्या, मुझे पूरी तरह से मालूम है। 1,90,540 रुपए का सामान था। अरे ये तो ऐसे बता रहे जैसे अपने घर में खुद ही चोरी करने जाने वाले हो। इन्हें तो सब आइडिया है, जगह का पता, समय का पता। तो पता तो है।
25 जुलाई रात को जब मैं सो रहा था। अरे कल 25 जुलाई नहीं 27 जुलाई है। 25 जुलाई 27 है बाबा। 25 जुलाई तीन 25 है 27 है। पता नहीं मैडम आज की तारीख क्या है। भाई 25 जुलाई की बात है। कंफर्म 25 जुलाई? जी हाँ पक्का। आपको तो कंफर्म होना ही चाहिए। लाइए 19,500 और यहाँ साइन कर दीजिए। 19,500? अरे 10%। 10% किस चीज का? चोरी के सामान का। तो मैं क्यों लूँ? अरे आप जो पुलिस को प्रोटेक्शन देने वाले हैं उसकी फीस। मैं पुलिस को प्रोटेक्शन देने वाला? यही तो, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देने वाली है उसकी फीस। अरे क्या खास प्रोटेक्शन देगी पुलिस? वहाँ जब चोरी हुई है ड्यूटी पे तो कोई था नहीं। अरे चोरी हुई है तब ड्यूटी पे कोई नहीं था, यही तो प्रोटेक्शन है, इसी का तो 10% लेते हैं हम। मतलब आप चोरी करवाने का 10% लेते हैं? और नहीं तो क्या, आप चोर पकड़वाने का 10% देंगे? जी हाँ और जी नहीं। जी हाँ जी नहीं क्या मतलब? जी हाँ इसलिए कि मैं चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ, और जी नहीं इसलिए कि मैं पैसे देने के लिए नहीं आया। एक मिनट, आप चोर नहीं? आपको मैं चोर दिखाई देता हूँ? नहीं नहीं एक एक सेकंड, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ से, नहीं इधर से देखिए, यहाँ से ये देखिए। नहीं नहीं सुनिए, लगते तो नहीं, इसके लिए तो कंफ्यूज है ना हम। हाँ। तो पहले बताना चाहिए था ना कि दूसरी वाली FIR लिखवानी है। दूसरी वाली नहीं है, पहली वाली है। ये क्या पहले पहले लगा रखा है भाई, क्या पहली है? मैडम बाई गॉड बाई फादर बाई मदर, मेरे घर पे कल रात को चोरी हुई है 1,90,540 रुपए की, और मैं उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो पहले बताना चाहिए था ना। तो पहले बताया था ना। फिर पहले पहली वाली रिपोर्ट बोले थे ना। तो पहले मालूम नहीं था ना। ओहो अब तो पता चला कि पहली वाली मैं नहीं लिखती हूँ। जी हाँ जी हाँ, लेकिन ये बता दीजिए कि कौन लिखता है? वो पांडे जी लिखते हैं। क्या क्या सामान गया जी? 1,00,000 रुपया तो नकद था। गुड बराबर। और ये कोई 3-4 घड़ियां वो जो कलाई में पहनने वाली होती है ना वो गई, और एक 3-4 मेरी बीवी के सेट थे सोने के वो गए। और बीवी? बीवी है। और एक कैमरा गया। और कुछ 3-4 सोने की अंगूठियां थी, और एक वो, और एक जेंट्स इंपोर्टेड स्विमिंग कॉस्ट्यूम। जी हाँ जी, मैं पिछले महीने सिंगापुर से। आपको कैसे पता चला? यहाँ सब लिखा। मैंने तो लिखवाया नहीं अभी तक। लेकिन उसने तो लिखवाया है। किसने? किसी ने नहीं, गैस किया। तो कुल मिला के आपका सामान होगा 1,90,540 रुपए। एकदम बराबर। लेकिन आपको कैसे पता चला? हमें सब पता है। कैसे पता है? गैस किया। गैस, इतना बड़ा गैस, मतलब मेरे हुए नुकसान की एग्जैक्ट कीमत आप बता रहे हैं? इसीलिए तो आप यहाँ आए और हम यहाँ आए। एक बात बताइए जी, FIR लिखनी आती है आपको? नहीं मुझे नहीं लिखनी आती है, तो आपका काम है ना? मुझे मेरा काम मत सिखाइए आप। FIR लिखनी आती है और चले आए FIR लिखवाने? कार्बन है आपके पास? जी नहीं, कार्बन तो मेरे पास नहीं है, आपके पास होना चाहिए। कार्बन तो है ही नहीं तो FIR कैसे लिखेंगे? पर अभी तो आप लिख रहे थे ना? नहीं मैं तो टैली कर रहा था। टैली कर रहे? उसने जो सामान लिखाया वही गया या कुछ और गया? किसने जो सामान लिखवाया है? पुलिस में आप है कि मैं? जी वर्दी से तो आप ही लग रहे हैं। तो सवाल पूछने का हक किसको है? नहीं हक तो आप ही को है। तो आप मुझसे मेरा हक मत छीनिए, जाइए कार्बन लेके आइए, कल आइए। ना कार्बन पेपर लिया। अरे तो मैं क्या करूं, यहाँ पहले इतने कार्बन पड़े हुए हैं, आगे बेचो जाओ। बेचने नहीं आया। क्या है? हाँ जी, वो पांडे जी के पास कार्बन नहीं था, मैंने FIR लिखवानी थी तो उन्होंने मुझे बाजार भेजा था, मैं बहुत दूर से जाके ये कार्बन लेके आया हूँ, लेकिन पांडे जी अपनी अपनी टेबल पे नहीं है, तो मैं क्या करूँ? पांडे जी का स्कूल? पांडे जी अभी भी स्कूल जाते हैं? नहीं नहीं, जब जब पप्पू का रिक्शा वाला नहीं आता है ना तब तक पांडे जी स्कूल चल जाते हैं। पप्पू कौन है? आप कौन है? जी मैं मुसद्दीलाल लाल। पुलिस वाले हैं क्या? नहीं नहीं पुलिस वाला नहीं हूँ सर। तो फिर आप क्यों सब सवाल पूछ रहे हैं? हमको सवाल पूछने दीजिए ना। तो आप पूछिए सवाल। कहाँ कहाँ हैं आप जी? क्या क्या कह रहे हैं आप? यहाँ कहाँ पर आए? देखिए भाई साहब, ठीक से तो बात कीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि आप ये FIR लिखवाने आए हैं, चोरी की FIR। अच्छा, अरे यार पहले बता देना चाहिए ना, पान फेंकवा दिया, लास्ट पान है भाई साहब, 4 पान बाहर से ले जाइए ना। हाँ जी। अरे बोलिएगा शुक्ला 420। शुक्ला 420? अरे नहीं 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 नहीं, जर्रे का नंबर है भाई साहब, और देखिए पैसा जरूर दे देगा, फ्री का पान हमको पछता नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन मेरी FIR का क्या होगा? अरे वो लिखवा देंगे, पहले इनका पान तो ले आइए और मेरे लिए एक लॉलीपॉप। क्या तुमको क्या लगता है कत्ल किसने किया होगा? सर मुझे लगता है कत्ल कातिल ने किया होगा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन कातिल किसे बनाए? किसी पे शक है? अब साहब मुझे किस पे शक हो सकता है? अरे जब चोरी हुई तो देखा नहीं? नहीं नहीं, मैं उस वक्त सो रहा था ना। पर किसी पे तो शक होगा, भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी। नहीं 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 भाई साहब, मेरे कोई भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी चोर नहीं है। एक मिनट, आप इतने चोर से कैसे कह सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं है? जी गुरु, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि वो कातिल नहीं है? देखिए कातिल कौन होता है? कातिल जिसके हाथ में खून लगा हो, जिसके कपड़े खून से रंगे हो। करेक्ट, तो किसके हाथ और कपड़ों में खून लगा था? बब्बन खान।
लेकिन वो तो उस मरने वाले टीपू को बचाने के चक्कर में लगा था ना खून उसके हाथ में। चलेगा चलेगा, कोई और है? नहीं, मैं तीन चार नाम तो पहले ही लिख चुका हूँ साहब। वेरी गुड, एक चोर का नाम लिखाओ तो तीन चार को पकड़ने में तो बहुत आसानी होती है। नहीं नहीं मैडम, आप उल्टा बोल रही हैं। अगर तीन चार नाम लिखे हो तो एक चोर को पकड़ने में आसानी होती है। तो ये फाइनल है कि बब्बन कातिल है? एफआईआर लिख दो। जी लिखती है। अरे वाह, तुम तो हमसे भी अच्छी एफआईआर लिखते हो यार। एक काम करो यार, साइन भी कर दो। जी, और एक साइन उधर कर दो कोने में। जी हाँ, पर यहाँ तो आप साइन करेंगे ना। अरे यार तुम ही कर दो, कौन मिलाने आ रहा है यहाँ पे। नहीं 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 भाई साहब, ये तो गलत बात है, साइन तो आप ही को करने चाहिए। देख नहीं रहे यार, मैं सब्जी काट रहा हूँ। तो छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ सकते, ऊपर से ऑर्डर्स हैं। भाई मैं सब्जी काट देता हूँ, आप यहाँ साइन कर दीजिए। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। लीजिए ला। और ये रही स्टैंड, लो ये हो गई तुम्हारी तैयार एफआईआर की कॉपी। जी धन्यवाद। पाड़ी जी प्लीज प्लीज, पाड़ी जी सुनिए तो, मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए। नहीं, पिछले एक महीने से आप ही की एफआईआर ही सुन रहा हूँ। तो बस एक महीने पहले ही तो चोरी हुई थी ना। नहीं आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने चोरी की हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप चोर को पकड़ते क्यों नहीं। ले आओ चोर को, पकड़ लेते। जी अच्छा, क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? 2,00,000 रुपए का सामान गया है साहब। ना 1,90,540। आप 1 रुपए दिलवा दीजिए, 540 आपके। इतना सस्ता समझाएगा हमको है? और भाटिया जी तो आप बताइए साहब, कितने महंगे हैं आप? अरे भाई हम तो बस खा पी रहे हैं, आप बताइए। 50,000 देंगे। 50,000 देंगे, मतलब आप मुझे ऑफर कर रहे हैं? हम आपको ऑफर कर रहे हैं। नहीं आप कैसे ऑफर करेंगे, ऑफर तो मैं करूंगा ना आपको। ना ना ना, पैसा तो हमारे पास है। किसका? आपका। नहीं, मुझे पैसे मिल गए, सामान मिल गए, थैंक यू वेरी मच पांडे जी। ना ना ना, अभी मिला नहीं है, मिल सकता है अगर आप बंटवारे पर राजी हो जाए तो। बंटवारा? हाँ, तीन हिस्से होंगे, चोर पुलिस और पब्लिक। क्या 50,000 मिलेगा आपको? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी खून पसीने की कमाई है, जो मैंने इतनी मुश्किल से कमाया वो सब मैं चोर को दे दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर चोरी क्यों होने दिया था? तो सो गया था ना। जो सोता वो खोता। ठीक है मैं ऊपर जाऊंगा। हम हेल्प कर दें? अरे यार कातिल तो बना दिया, लेकिन गवाह किसको बनाए? गवाह कोई पुराना गवाह चलेगा सर? नहीं नहीं, पटेल कब तक ऐसा चलेगा? कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो पटाकपुर में रहता हो। कौन मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या है जी? एक महीना पहले मेरे घर पे चोरी हो गई थी। हाँ बाप, कैसे? मैं सो रहा था। कहाँ? पटाकपुर में? जी हाँ पटाकपुर में। सर ये चलेगा? दौड़ेगा दौड़ेगा, आइए ना आइए आइए, अंदर आइए, वहाँ क्यों खड़े हैं, बैठिए। अब तो तुम पटाकपुर में रहते हो? जी हाँ। वहीं जहाँ टीपू का मर्डर हो गया था? हाँ साहब, मैंने सुना कि टीपू को बब्बन ने चाकू मार के मार दिया। तुमने देखा चाकू मारते हुए? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं अभी तो आप कह रहे हैं कि आप वहां रहते हैं। नहीं मेरा घर है वहां पे। तो तुमने देखा ना? नहीं नहीं मैंने देखा नहीं, हाँ मेरे घर के बिल्कुल सामने हुआ। मतलब सामने हुआ तुम्हारे? नहीं मेरे सामने नहीं हुआ, मेरा घर है वहां पे, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे एक तो कतले वाली जगह पर रहता हूँ, ऊपर से पूछते हो गलती क्या है? नहीं पर साहब मेरा तो घर है ना वहाँ पे। क्यों रहते हो वहाँ कतले वाली जगह पर, जब पता है कि वहाँ कतले होने वाला है, मकान कहीं और लेना चाहिए ना। बोलो बोलो कितना बड़ा चाकू था? बोलो। नहीं नहीं मैंने देखा नहीं साहब, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मेरा तो घर है सिर्फ वहाँ पे। माना लेकिन तुमने देखा तो ना? नहीं जब मैं वहाँ था ही नहीं तो मैं देखता कैसे? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब तुम वहाँ पर नहीं थे तो तुमने कैसे देखा कि बब्बन को चाकू मारा? भाई साहब मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, मैं तो यहाँ आया हुआ था चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सामान मिला? जी नहीं। मिल जाएगा, बयान लिख दो। बयान और सामान तो मैं दोनों लिख चुका हूँ। अरे यार चोरी के बयान के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कत्ल के बयान लिखो कि मैंने बब्बन को टीपू के पेट में 5 बार छुरा मारते हुए देखा। नहीं नहीं शुक्रा जी, 5 जरा ज्यादा हो जाएगा, 3 रखते हैं। सोच लो। हाँ लिखो, 3 बार छुरा मारा लिखो। नहीं नहीं जब मैंने देखा ही तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं सब में नहीं फंसना चाहता, मैं चलता हूँ। किधर जाता है? बैठ चुपचाप, चल गवाही दे चल। अरे माय बाप लिख दो, वरना अभी पटेल साहब की 2 बातें झेलनी पड़ेंगी। पटेल साहब शुरू हो जाएंगे। या तो तू यहाँ से बच के जा पाएगा या तो नहीं जा पाएगा। जा पाएगा तो पागल है, पुलिस के हाथ से बच के कोई जा पाता है? और नहीं जा पाया तो 2 बातें हो जाएगी, या तो तुझे पीटेंगे या तो जेल में सड़ा देंगे। जेल में सड़ा तो ठीक है, 10-15 साल के बाद निकल जाएगा, मगर पीटा तो 2 बातें होगी, या तो तू बच जाएगा या तो तू मर जाएगा। बच गया तो नसीब तेरा, मगर मर गया तो 2 बातें होंगी, या तो लोग कहेंगे कि तूने सुसाइड किया है, या तो लोग कहेंगे कि पुलिस ने तुझे मारा है। सुसाइड किया तो ठीक है, हम लोग तो बच जाएंगे, मगर मारा है ऐसा कहा?
भाई इसकी गवाही कौन देगा कि तूने सुसाइड किया है या तुझे पुलिस ने मारा है? डायरेक्ट बात है, आप किसी की गवाही नहीं देंगे तो आपकी गवाही कौन देगा? कहाँ लिखना है? यहाँ लिखो। मैं कह रहा हूँ कि असली कातिल पकड़ा गया। क्या? हाँ, बब्बन ही असली कातिल है। आपको कैसे पता चला? बड़े साहब का फोन आया था कि बब्बन ने ही कत्ल किया है। ओहो, फिर तो उसे छुड़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर असली कातिल पकड़ा गया तो फिर दूसरी बार कोई चोर उचक्का हमारा भरोसा नहीं करेगा। अरे कैसे छुड़ाएंगे, बयान तो अदालत तक पहुंच चुका है। कौन सा बयान? वो मुसद्दीलाल वाला? हाँ। तो एक काम करते हैं ना, बयान बदलवा देते हैं। खामखास उसका चुराया हुआ सामान भी लौटाना पड़ेगा। ललन सामान दे गया? हाँ दे गया, लेकिन अपना हिस्सा काट के दे गया और रिपोर्ट भी तैयार है। चोर चोरी का सामान छोड़कर रात के अंधेरे में फरार। नहीं, पर बयान तो बदलना ही पड़ेगा। और अगर सामान लौटाना पड़ गया तो? मैंने तो घर पे बोल दिया कि गिफ्ट मिला है मेरे को। नहीं, मुसद्दी बयान भी बदलेगा और सामान भी छोड़ेगा। पांडे जी, बब्बन खान को फोन लगाइए, जरा हेलो तो कही दे कम से कम। पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस प्रोटेक्शन। क्या चला रहे हो? पुलिस को प्रोटेक्शन चाहिए। अरे पुलिस को प्रोटेक्शन, दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, मतलब मुझे पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए। क्या आप नेता है, अभिनेता है, कौन है आप? मैं मुसद्दीलाल लाल हूँ। लाल? आज तो आप एकदम टोटल लाल हो रहे हैं। वो बब्बन खान का फोन आया मेरे पास घर पे, उसने मुझसे कहा कि अगर तुमने बयान नहीं बदला कोर्ट के अंदर से तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आप प्लीज कोर्ट का बयान वापस ले लीजिए, प्लीज 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 प्लीज। अरे भाई ये पॉसिबल नहीं है, हमने आपकी चोरी की वो FIR लिखी है, अब हम ऊपर जवाब क्या देंगे? वो FIR तो मेरी जेब में है, यहाँ देखिए, देखिए वो FIR जो मैंने लिखवाई थी वो मैं ये फाड़ देता हूँ, ये फाड़ देता हूँ, ये फाड़ देता हूँ, ये लीजिए। ओके, यही तो एक बार रजिस्टर में लिखी तो नहीं फट सकती। हाँ वो तो मतलब क्या ऊपर जवाब देना पड़ता है ना। देखिए हमने एक बार पन्ने का FIR फाड़ा था तो हम लोग नहीं, पन्ने का FIR नहीं, FIR का पन्ना। हाँ, वही फाड़ा था तो तब तो हम लोग बच गए थे। और नो वे, नहीं फाड़ सकते, नहीं फाड़ सकते। क्यों पांडे जी? ना ना, ये नहीं फट सकता। नहीं नहीं, आप कोशिश तो कीजिए, ऐसे कीजिए पेज को ऊपर से पकड़िए और ऐसे करके ऐसे खींच दीजिए। बच गए, क्या सफाई से फाड़ा आप पांडे जी, वेरी गुड वेरी गुड। डेली का एक्सपीरियंस है। अरे तो आप कह रहे थे कि जिंदगी में दूसरी बार फाड़ा? सर आप हवलदार के बात में कहाँ ध्यान दे रहे हैं, इंस्पेक्टर की बात सुनिए। ये लीजिए, इस कागज पर साइन कर लीजिए। ये कोरे कागज पे? हाँ, हम बयान लिख देंगे इस पे। क्या? हाँ, कि आपने बब्बन को मारते हुए नहीं देखा। मतलब जो चश्मा पहनकर आपने चश्मदीद गवाही दी थी वो चश्मा खराब था और आपको। यही तो, आप अपनी गलती की माफी चाहते हैं। हाँ, ये लीजिए पेन। अरे अरे, ये तो वही अंगूठी है जो मेरे घर से चोरी हुई थी। क्या? हाँ? ये तो मेरी है। नहीं, ये आपकी नहीं है, इसके ऊपर M लिखा हुआ है, M for मुसद्दीलाल। नहीं, M for मेरी। अरे भैया जाओ ना यार, हमारा लंच का टाइम हो रहा है। ये तो वही घड़ी है, वही घड़ी है जी, जो मैं सिंगापुर से लेके आया था, ये भी मेरी चोरी की घड़ी है। सुनिए, आपकी घड़ी खराब लगती है, एक जैसे दो दिमाग कैसे हो सकते हैं? नहीं, एक जैसे दो दिमाग नहीं हो सकते, लेकिन एक जैसे दो घड़ी। ये चेन आपने गले में पहनी हुई है, ये मेरी बीवी की चेन है। अब आप कहेंगे ये हार जो मैंने गले में पहना है वो भी आपकी बीवी का है? ये हार तो वही है जो मैंने अपनी बीवी को शादी में दिया था। शुक्ला जी, जी आपने क्या लिया है? कैश जी, कैश। स्माइल प्लीज, स्माइल। ये तो वही कैमरा जो मैं सिंगापुर से लेके आया था। मतलब मेरे यहाँ जो भी चोरी हुई है उसका सारा का सारा सामान यहाँ पे मौजूद है, मुझे दे दीजिए प्लीज, मुझे प्लीज दे दीजिए। एक मिनट भाई साहब, चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? जी हाँ लिखवाई थी। कहाँ है? जी वो अभी अभी मैंने फाड़ी ना आपके सामने। तो बताइए, अपने हाथों से आपने फाड़ी है, अब हम क्या करेंगे? नहीं तो मैं दूसरी रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। मैडम जरा रिपोर्ट लिखिएगा, मेरे घर पे चोरी हुई थी। कब हुई थी? यही को एक महीना पहले, जब मैं सो रहा था। तो आप रिपोर्ट लिखाने आए हो? जी हाँ। तो इतनी देर तक क्या कर रहे थे आप? जी वो मैं सो रहा था जी।